सो हेलो गाइस, आप सबके क्या हाल है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिप्लेक्स मल्टीटास्क पर, और ये है पीवीआर सिनेमा का पार्ट टू। पिछले वाली वीडियो आपने देखी होगी जो तीन स्लो मोशन की वीडियो है, उससे पहले की वीडियो मेरी थी पीवीआर सिनेमा की मिस बिहेवियर के बारे में, और यह है पीवीआर का पार्ट टू। और इसमें आप सब जानेंगे देखेंगे कि क्या हुआ उस वीडियो का इम्पैक्ट, और क्या मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट का रिजल्ट आया, और क्या अब चल रहा है पीवीआर में, और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आई है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, सोर्स तो माफी चाहूंगा बता नहीं पाऊंगा, और जो भी जानकारी आई है देखते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो लेट्स गो फॉर इट। सो हाय, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर ट्रिप्लेक्स मल्टीटास्कर पर, और मैं हूं आपका दोस्त यूट्यूबर मिस्टर प्रशांत। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछली वीडियो से। तो जिन लोगों को पुराना टॉपिक नहीं पता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही कि क्या था सिनारियो। सिनारियो ये था कि 16 तारीख को मूवी लगी थी सुपर 30, शायद उससे थोड़ा सा पहले भी लगी होगी, लेकिन 16 तारीख को पापा गए थे मूवी देखने 16 जुलाई को, तो उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक कॉम्बो दे रहे थे जो कि 110 रुपये का था, जिसमें कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न थे। एज की वजह से उन्होंने नहीं लिया, तो उन्होंने मना कर दिया कि बोले इसके लिए आपको टिकट नहीं मिल सकता। फिर मैंने इसकी एक ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी, और अब बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि पहली बात तो काफी खुशी हुई जानकर, जो भी जानकारी इसकी मिली, जो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी उसका रिप्लाई 17 जुलाई को आ गया था, जिसका स्क्रीनशॉट और जो भी स्क्रीनशॉट होंगे जरूरी आपको आगे मिल जाएंगे। तो 17 जुलाई को उसका जवाब आ गया था, तो उनका कहना था कि आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट करिए हमारी इस ईमेल आईडी पे। तो मैंने उनकी इस ईमेल आईडी पे आज कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, आज तारीख है 22 अगस्त, तो मैंने आज उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो ईमेल जो है वो इनवैलिड बता रहा है। वो ईमेल जो इनवैलिड बता रहा है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो एड्रेस आ ही नहीं रहा ईमेल में। और उसके बाद में जो वो वीडियो हमने पुरानी बनाई थी उसमें हुआ ये, वो वीडियो पहुंच गई पीवीआर में, और पीवीआर में जब वो वीडियो पहुंची यहीं बरेली के फिनिक्स यूनाइटेड के, तो हुआ कि एक हफ्ते के लिए उन्होंने सारे के सारे जो कॉम्बो लग रहे थे उसको लगाना बंद कर दिया, और सिर्फ टिकट फोकस करा। हालांकि हम समझते हैं कि आरपीएम गिरता है और आरपीएम को मैनेज करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी पीवीआर के बारे में। पीवीआर का पूरा नाम आता है प्रिया विलेज रोड शो। ये दो कंपनियां थी पहले, एक थी आपकी प्रिया एग्जीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और एक आपके रोड शो, जो कि 1997 में आपका ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत में ये दोनों कंपनियां एक हो गई, और जो उसका नाम बना पीवीआर प्रिया विलेज रोड शो। और अभी भी भारत में इससे ये एक सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स की चेन मानी जाती है। कहने का मोटिव यह है, कंपनी ने बहुत मेहनत करी है अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए, और छोटी छोटी मिस्टेक्स और छोटे छोटे मिस बिहेवियर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इससे, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो डाली थी। ठीक है सर, मैं पीवीआर से आपसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे सॉरी तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, चलिए सॉरी भी एक्सपेक्ट नहीं करता, अगर मैं आपसे एक अपॉलॉजी तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ सर आपसे, कोई बात नहीं, देखते हैं सर आपका जवाब क्या रहता है। और अब जो आगे का जानकारी है वो यही है कि अब जो कूपन जो पहले चल रहा था 110 रुपये का, वो अब 3D पे कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अब 3D मूवी अभी कोई चल नहीं रही है, तो 2D कूपन पे एक नया कूपन चल रहा है CVP, जो कि एक है 67 रुपीज का, जो 100 रुपीज का आता है, यानी उसमें आपको 67 रुपीज का कूपन लेंगे तो आपको 100 रुपीज का वो मिल जाएगा। और एक ये कूपन चलता है मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे सैटरडे आपका यही कूपन 100 रुपीज का हो जाता है, फिर आपको उसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 150 रुपीज़। और अभी तो शायद जब RPM सेट हो जाता है तो उसके बाद उस समय पे आप ये इनको कह देते हैं कि ज़बरदस्ती मत बेचिए, और जब RPM अगर नहीं सेट होता है तो कंपलसरी बताकर ये किसी तरह उसको दे देते हैं। लेकिन अब पुरानी वीडियो से एक नई चीज़ ये हुई कि अब सबको ना दे करके जो कस्टमर मना करते हैं या जो ज़्यादा इज्जत करता है उनके लिए मना कर देते हैं, कोई बात नहीं सर, मतलब ये मना कर देते हैं कि आपको टिकट चाहिए आप टिकट ले लिए, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट ये रह रहा है कि ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश की जाती है उसको। ठीक है सर, काफ़ी सारी स्कीम्स आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप एक बात खुद बताइए, 100 रुपये का कूपन अगर हम फ्राइडे सैटरडे में लेते हैं तो सर 160 की तो कॉफ़ी ही है, 160 की सर जब कॉफ़ी है तो क्या फ़ायदा 150 रुपये का कूपन लेने की। 300 रुपये का सर मिनिमम टब है, कैंडी भी 10 रुपये की, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, अगर गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो वो भी 40-50 में बिकेगी। और ये भी सुनने में आया था कि जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी ये जो मेरे सोर्सेस से आई, कुछ ने कहा कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई वो गलत थी। ठीक है सर, बताइए क्या करना है, कोर्ट चलें? सर सच कहूँ तो वो वाक्य वो इंसिडेंट भूला नहीं हूँ, जब आपने मेरे फादर को टिकट नहीं दिया था उसके लिए सॉरी नहीं तो एक अपॉलॉजी तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था मैं आपसे, जो कि मुझे नहीं मिली अभी तक।
उल्टा एक ईमेल एड्रेस जरूर मिला जो कि जिस पे मेरा मेल नहीं गया, वो आपसे शेयर कर दूंगा, आगे आप देख लीजिएगा उसको। और उसके बावजूद एक सबसे अलग बात ये निकल के आती है कि जब कस्टमर मना कर रहे हैं चीज़ों के लिए और आपके उनके एम्प्लॉय खुद बेच नहीं पाते हैं, तो एम्प्लॉयों को प्रेशराइज कर लिया जाता है फिर कि आप काम नहीं कर सकते, आप इसको बेच नहीं सकते। सिंपल सी बात है कि मैंने भी कंपनियों में काम करा है और बहुत ही रेपुटेड कंपनी में भी, प्रेशर वहाँ भी होता है सेल्स का, लेकिन इस तरीके का रवैया जैसे कंप्लेंट उनकी मिलती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आप इतना बेइज्जत कैसे कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय को। कोई भी है, अब बात खुलती है तो काफ़ी सारी बातें खुलती हैं। देखिए, वो जानते हैं मैं किस पॉइंट पे बोल रहा हूँ। और सिंपल सी बात है सर, बिजनेस एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरीके की बिजनेस स्ट्रेटजीज को अपना के कुछ नहीं है। आप प्रेशराइज मत करिए कस्टमर को और ना ही अपने एम्प्लॉय को। और अब दोस्तों, सीधी सी आखिर की बात मैं यही कहूँगा कि देखते हैं, अब अगर कोई और अपडेट आता है इसका तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और जो भी स्क्रीन शॉट है मैं आपको लास्ट में जरूर लगा दूंगा, ये सारे के सारे जितने भी स्क्रीन शॉट हैं कंप्लेंट से रिलेटेड, पीवीआर का जवाब। और थोड़ा सी पहले बता दूँ आपको, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है इसलिए इस हिसाब से सांस में भी प्रॉब्लम हो रहा है। और बाकी सिंपल सी बात ये है कि अगर कस्टमर के साथ में कुछ गलत होता है, सिंपल सा मैं आपसे कह रहा हूँ, कंज्यूमर फॉर्म में तीन तरीके से कंप्लेंट दर्ज की जाती है। नंबर 1, उसी से मैं कॉल कर कर, नंबर 2, ईमेल के द्वारा, नंबर 3, आप फिजिकली जा सकते हैं और वहाँ पे कंप्लेंट अपनी रिटर्न में दे सकते हैं, और उसके बाद में जो आपके केसेस होते हैं वो चलते ही हैं। क्योंकि प्रीवियस केस अभी आपने सुना ही होगा, 2 केलो का बिल 442 रुपये 50 पैसे, 2 ऑमलेट का बिल 1700 रुपये। अरे मान लिया कि बहुत सी चीज़ें उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो होटल्स को अपनी निकालनी होती हैं, लेकिन इतना वैल्यू जस्टिफाई नहीं होती किसी भी चीज़ में। कोई बात नहीं, चलिए उनका मुद्दा छोड़ते हैं, हमारी बात पीवीआर की थी, हम उसी पे आ जाते हैं वापस। तो अगर आपके साथ में ऐसा कोई भी बिहेवियर होता है, इंसिडेंट, सबसे पहले आप उनसे रिटर्न में मांग सकते हैं। अगर वो रिटर्न में नहीं देना, आप उसी समय उनका वीडियो शूट करने की कोशिश कीजिए, कोई भी इंसिडेंट हो, क्योंकि आज के समय में आप प्रूफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली बात यह है कि अगर आपका कोई भी इंप्लॉय है, जो भी है, जिसको भी आप इस तरीके प्रेशराइज किया जा रहा है, उनसे मैं यही कहूँगा, तीनों तरीके आपके पास हैं कंप्लेंट करने के। आप अपर मैनेजमेंट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और एचआर डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इस पर लीगल एक्शंस लेते हैं। और उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं तो आप अपने प्रूफ इकट्ठे कर सकते हैं और उसके बाद में कोर्ट जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसको अपना सकते हैं। और देखिए, मैं भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ और कंपनी एक्ट और कंपनी लॉ, BRF बिजनेस रेगुलेटरी फॉर्म, ये सारी चीज़ हमने भी पढ़ी है, हमें भी मालूम है सर क्या इस तरीके के लीगल प्रोसीजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना ही हमें बोलने की आदत है किसी को भी। और ये वीडियो का पार्ट 2 भी सिर्फ मैं इसलिए लाऊंगी आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएं, और उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पसंद आया होगा। और अगर किसी लोगों को कोई भी रिलेटेड फैक्ट होगा या कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। और ठीक है, इसके साथ लगे रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।